हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि रिसर्च से लेकर राइटिंग और अपना सिनोप्सिस या प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी हेल्प हो और आपके दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ें बताता हूँ कि टाइम से सबमिट करना है सिनोप्सिस को। अगर आप अभी सबमिट करोगे तो सितंबर में आपकी सिनोप्सिस वापस आ जाएगी अप्रूव होकर, तो प्रोजेक्ट बना सकते हो आप अपना सितंबर अक्टूबर में। तो मार्च दिसंबर के एग्जाम के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप लेट करोगे, सितंबर में भेजोगे, तो वो नवंबर तक आपकी सिनोप्सिस आएगा, तब तक आपकी डेट निकल जाती है प्रोजेक्ट की। तो आपको नेक्स्ट सेशन में सबमिट करना पड़ेगा मार्च 2025 में, और रिजल्ट आएगा आपका जुलाई 2025 में। तो नुकसान आपका है, डिग्री आपकी लेट होगी। तो तुरंत सबमिट करें अपनी सिनोप्सिस को ताकि आपके पास चांस रहे, कोई भी कमी पेशी हो तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, आपके पास टाइम रहता है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है रिसर्च से लेकर आप अपना कैसे अपना एम कॉम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, रिक्वायरमेंट यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जो आपने पढ़ा है उन सब का इम्प्लीमेंटेशन करना है, रिसर्च करना है और आपकी नॉलेज को इन्हेंस करना है। तो जो टॉपिक है वो आपने सुपरवाइजर से भी सजेस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या मेरे से भी आप सजेशन ले सकते हो। मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा आके किस तरीके के टॉपिक आपको सजेस्ट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो मैंने एमकॉम के ऊपर पूरी सीरीज बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो चूज जो टॉपिक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं, मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगा। तो जो लिटरेचर करना है, जैसे आप अपने टॉपिक रिसर्च कर लिया तो फिर आपको उसी से रिलेटेड जो है बुक्स आपको पढ़ना है, लिटरेचर ढूंढना है जो आपने टॉपिक लिया है, फिर उनको इकट्ठे करने हैं, कौन से जर्नल से आपने ये चीज़ें ली, कौन से बुक को आपने पढ़ा, ठीक है, कौन सी वेबसाइट से आपने डाटा लिया, ये सारी चीज़ों को गैदर्ड करना है, क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू जो होता है सिनोप्सिस के अंदर उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपको अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव करना है, क्वेश्चंस देखने हैं किस तरीके से डिजाइन करने हैं पूछने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिसर्च का अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, क्वेश्चंस सेट करने हैं। उसके बाद जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी तो होता ही है कि हम किस तरीके से उसमें रिसर्च करेंगे, उसका डिजाइन करना पड़ता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड, किस तरीके से आप अपना रिसर्च करोगे, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, आप इंटरव्यू लोगे जो लोग हैं उनका इंटरव्यू लोगे या सर्वे करोगे, या कोई जो सेकेंडरी डाटा है जो पब्लिश है ऑलरेडी उसी में से कुछ डाटा लेके आप अपनी रिसर्च करोगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो उसके लिए आपको प्लान करना है, एनालिसिस करना है, तभी आपकी रिसर्च जो है वो अच्छी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको टॉपिक अच्छे से लेना है, लिटरेचर को इकट्ठा करना है, जो आप पढ़ रहे हो उसको इंक्लूड करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, रिसर्च आपको किस डिज़ाइन से करना है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट जो है आप जो अपनी सिनोप्सिस को जब राइट करोगे तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह होगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी होगा, लिटरेचर व्यू भी होगा, रिव्यू भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से लिटरेचर को हमने पढ़ा, और हमारी जो रिसर्च है उससे हमारे जो प्रोजेक्ट है जो सिनोप्सिस है उससे क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो है डाटा किस तरीके से आप कलेक्ट करोगे, उसका एनालिसिस किस तरीके से करोगे, डाटा की एक्यूरेसी देखना है, रिलेबिलिटी देखना है, और जो कौन कौन से टूल या सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप डाटा एनालिसिस के लिए उसको मेंशन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपकी सिनोप्सिस के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आपका प्रोजेक्ट में जो है कमी निकल जाएगी और आपका रिजेक्शन हो जाएगा, फिर 6 महीने आपके और वेट करना पड़ेगा आपको। आप जो है कोई भी अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल एक मैसेज के फॉर्मेट में, और आपको जो फर्स्ट पेज वगैरह होता है जिसमें आपकी पूरी चीज़ें फिलअप करनी होती है एनेक्सर, वो आपको मैं भेज दूँगा। तो जब आप जो है जब प्रोजेक्ट सिनोप्सिस अप्रूवल होगा तो प्रोजेक्ट राइटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले टाइटल पेज वगैरह में आप स्टूडेंट नाम, एनरोलमेंट, सुपरवाइजर का नाम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर एक एक्नॉलेजमेंट वाला रहता है जिसमें हम अपने सुपरवाइजर को थैंक्स करते हैं कि उसने कितना हेल्प किया हमारा। इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, लिटरेचर व्यू भी होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह, डाटा कलेक्शन किस तरीके से किया, रिसर्च कैसे किया, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर हम जो है डाटा एनालिसिस के अंदर प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, ग्राफ्स वगैरह भी देते हैं कि हमने जो डाटा लिया उसका क्या आउटकम निकला। फिर हमारे जो होता है फाइंडिंग एंड डिस्कशन होता है कि रिजल्ट जो हमारा डाटा से निकला है क्या है, इसका आउटकम क्या है जो हमने अभी रिसर्च की, ठीक है। फिर जो रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी, जो हम वही चीज़ें होती है कि हमने कौन कौन सी बुक को पढ़ा, कौन सी चीज़ों के रेफरेंस के तौर पे हमने यूज किया अपनी रिपोर्ट के लिए।
तो अपेंडिक्स के अंदर हम क्वेश्चनेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन हमने लोगों से पूछे, जो रिसर्च हमने की, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है। उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर देते हैं फाइनल कॉपी इग्नू के अंदर। उसके इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कि उसके साथ हमें अपनी सिनॉप्सिस और सर्टिफिकेट जो है सुपरवाइज़र वाला, जिसमें उसके साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, वो भी पक्का उसके साथ अटैच करना है। और विद इन टाइमलाइन के अंदर उसको आपको सेंड करना होता है अपने रीजनल इग्नू के अंदर। अदरवाइज आपकी जो डिग्री होती है, आपका जो रिजल्ट होता है, वो आगे निकल जाता है। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का हमने अप्रूवल दिया है, आप मेरे वेबसाइट के लिंक पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, ये अप्रूवल हुए हैं जो हमने सिनॉप्सिस दी थी उनको, तो 100% स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं। अगर आपको भी चाहिए किसी तरीके की हेल्प तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100% अप्रूवल है सेल्फ यान का, ऑफ़र अभी तक है सिनॉप्सिस का जो है, आपको 1000 रुपये में सिनॉप्सिस आपको पूरा टाइप होके मिलेगी, आपको उसको सबमिट करना है। अप्रूवल के बाद आपको 2000 रुपये में पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी और आप उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन हम उसको पूरा सेट करके देंगे, एक्सपर्ट की गाइडेंस में होता है ये सारी चीज़ें, तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिनॉप्सिस है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, सिनॉप्सिस आपको बायोडाटा के साथ आपको रीजनल सेंटर पे भेजनी है, और जो एड्रेस है वो आपकी इग्नू की वेबसाइट पे रीजनल सेंटर का, हार्ड कॉपी में भेजना है, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में सिर्फ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को सबमिट करना है जो LMS वाले हैं। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको इग्नू के अंदर भेजनी पड़ती है, दिल्ली इस एड्रेस पे भेजनी पड़ती है, रजिस्ट्रार SID इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको LMS पोर्टल पे अपलोड करना होता है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विद इन टाइम आपको सबमिट करना होता है। अभी जो टाइम है आपको 31 अक्टूबर तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल ले लेना है। और प्रोजेक्ट की फ़ीस आप पक्का भरना अपने एग्जाम फॉर्म में 500 रुपये, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड अपडेट नहीं होंगे आगे से। ये सिर्फ जनवरी 2023 के एडमिशन सेशन से ऑनवर्ड के लिए है, पहले वाले जो 22 में एडमिशन लिया उनको ये फ़ीस नहीं भरनी है। कोई भी इशू आने पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ कॉमेंट करें। थैंक यू।